हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं और संधू जा रहे हैं सामान लेने के लिए, और मैं सोच रहा था, घर पे लेटा हुआ था धूप में, तो मैंने कहा कि यार वीडियो क्यों ना शूट कर दी जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत व्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। और अभी हम लोग अपनी ना गाँव की नदी के पास पहुँचे हैं। ये देखना कितना बुरा हाल है यार यहाँ पे। अब काय की नदी रह गई, ये तो ओनली बस गंदा नाला ही है। तो यहाँ पे ना इन्होंने ये भी लगा दिए तारें वगैरह, क्योंकि पालतू अंदर चले जाते थे ना, तो ये लगा दिया। अभी मस्त हो गया यहाँ पे। फाइनली गाइस, अभी मानसर सिटी में पहुंच गए हैं सामान लेने के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले सामान वगैरह ले लेते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं सीधा घर। हम लोगों ने सारा का सारा सामान ले लिया, बोरे में भर लिया। और ये हमारा एक सब्सक्राइबर, कुछ कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका? देखना ये छुप रहा है, भाग गया। तो गाइस, अभी हम लोग मानसर के अड्डे के ऊपर रुके थे, बिकॉज हमें लगी हुई है भूख, और हम लोग ये खाने वाले हैं यहाँ पे चने और ब्रेड। मस्त इंजॉय करते हैं, क्योंकि घर पे खाना तो बना नहीं है, तो ये खा के चलते हैं सीधा घर। तो अपने ब्रेड चने आ गया, मस्त इंजॉय करते हैं। और ये देखना भाई, रेडी का टायर देखना, और इसको व्हील से देखना कितने मस्त डाले हुए हैं। तो मस्त इंजॉय करते हैं, खाना तो भाई आ जाओ। तो गाइस, अभी हम लोग आए थे सुपर का दूध पीने, क्योंकि बहुत ही मस्त होता है, तो बहुत ही टेस्टी है ये वाला। ये देख लो, सुपर स्टरलाइज फ्लेवर मिल्क बटर स्कॉच है ये फ्लेवर। तो गाइस, अपना खाना पीना हो चुका है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा घर। तो फाइनली गाइस, अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ, और मैंने ना सामान वगैरह दुकान पे रख दिया। और अभी ना इस बाइक की मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एक तो इसका ना जो पीछे वाला चेन सेट है ये खराब हो चुका है, चेन बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी है, ये देख लो काफ़ी ज़्यादा लूज हो चुकी है। और ये चेन सेट भी ऑलमोस्ट, ये देखना यहाँ से ये उड़ने वाला है, बस इसका काम तमाम होने वाला है। शायद थोड़ा टाइम निकल जाएगा टाइट करवा लूँगा चेन को तो। और एक बात और भी है यार, इसका आरपीएम बहुत ही लो है, जिसके कारण ना ये चलती चलती कई बार बंद भी हो जाती है। जैसे इसकी रेस वगैरह छोड़ो ना, तो ये बंद हो जाती है। ये देखना, ये देखना, अभी स्टार्ट है ना, थोड़ी देर में ऐसे बंद हो जाएगी। बहुत लो आरपीएम है, तो इसका आरपीएम सेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में। गाइस, ये देखना मुझे क्या मिला कहीं ना, ये मतलब मैं पेज काफ वगैरह ढूंढ रहा था उसका आरपीएम सेट करने के लिए, तो मुझे यही मिल गई ग्लासेस, ये डैडी पहनते थे। और अभी मैं पहन के इसको बाइक चलाया करूँगा शाम को, बिकॉज इससे ना जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे, वो आँखों में नहीं पड़ेंगे, तो ये बेस्ट है। वैसे है चीपेस्ट है, बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी है, बट फिर भी ठीक है यार, जुगाड़ है, एक काम चलाने के लिए सही है। गाइस, एक बहुत ही तगड़ा कांड हो गया अभी अभी। मैंने जो सुबह अपना व्लॉग अपलोड किया था ना, जो बारिश वगैरह पड़ी थी बर्फ वाला, उसमें क्या हुआ भाई, कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो वो व्लॉग आज शाम को या फिर कल सुबह मैं अपलोड करूँगा फिर से, बिकॉज उसमें मुझे कोई भी इनकम वगैरह नहीं होने वाली, तो इसलिए मुझे ना वो अभी की अभी एडिट करके उसको फिर से अपलोड करना पड़ेगा, देन टैग वगैरह लगा के मैं शाम तक शायद आज मैं कर दूँ उसको पब्लिश। तो आप लोग वो देख लेना, इन्जॉय करना, ठीक है? तो गाइस, ये देखना मम्मी ने कहाँ से लेके आए हो जी, कहाँ से लेके आई जी? ये है गाइस गावा, जो कि अंदर से रेड कलर का होता है, एक वाइट कलर का भी आता है, ये ज़्यादा मीठा होता है। तो गाइस, अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा टेस्ट आ रहा है इसका। पहले तो हम बहुत खाते थे, मस्त है भाई, बहुत ज़्यादा मीठा है यार। गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे, और अभी मैं एक पार्सल लेके आ रहा हूँ, तो इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं भाई इसके अंदर क्या है। जी, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, तो अभी इसको मैं ना खोल लेता हूँ सबसे पहले। तो गाइस, मैंने ये मंगवाए हैं एयरपोर्ट्स अल्फा बोट के, बोट एयरपोर्ट अल्फा जेट B1, तो ये इसका मॉडल है। तो अभी इसको देखते हैं चेक करके। सबसे पहले गाइस, इसके अंदर देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। ऐसे कुछ इस तरीके से पैकिंग निकलती है, और ये है पोर्ट्स, शायद यहाँ पे डाटा केबल होगी। हाँ, ये डाटा केबल ही है, टाइप सी डाटा केबल मिली है इसके अंदर। और ये है एयरपोर्ट्स, तो अभी इसको निकालते हैं बीच में से। तो ये एयरपोर्ट्स है, ये देख लो भाई, फुल चार्ज है, कुछ इस तरीके के हैं ये, छोटे से हैं बिल्कुल, बढ़िया है यार, मस्त है।
गाइस दिस इज फोर्थ और फिफ्थ डे, तो तुम्हारा भाई इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा है और मैंने ना अपनी बाइक की सर्विस ही करवा लिया और इसका जो पीछे वाला चैन सेट था ना ये वाला, ये ख़राब हो चुका था तो ये मैंने सही करवाया है, बाकी इसकी सर्विस हो गई है और ये मीटर वाली तार मैंने नहीं डलवा दी है, ये देख लो यहाँ से, और ये पुराना वाला चैन सेट है इसके अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना घर जाके ना अब इसका चैन कवर भी डाल दिया जाए। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी ना चेन की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे धूल मिट्टी लगती है ना उसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा गंद लगा हुआ था वहाँ पे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई घर पे पड़ा हुआ है तो उसको ठीक करवा लूँ, मतलब लगा दूँ उसको। गाइस यार इसका ना चैन कवर तो डला नहीं, बिकॉज इसका जो पीछे वाला टायर है ना वो मेरे ख्याल से 80 सेक्शन का है, जो कि बड़ा है इसके हिसाब से, और चेन कवर ना यहाँ पे टच होता है, तो इसके लिए वो आया ही नहीं यार, तो मैंने डाला नहीं। तो फिलहाल अभी मैं और संधू जा रहे हैं हम लोग अपनी दूसरी बाइक की आरसी लेने के लिए, तो चलेगा जल्दी से निकलते हैं, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस आरसी रिसीव कर लिया हम लोगों ने, तो अभी निकलते हैं घर। गाइस अभी हम लोग जा रहे थे घर और ना एक पार्सल वाले का फोन आ गया, जो मैंने फ्लिपकार्ट से पार्सल मंगवाया था ना अपनी ग्लासेस एंड अपनी बाइक के लिए मोबिल, तो उसको लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग बंगाला सिटी में, और ये आरसी है, जल्दी से निकलते हैं। फाइनली गाइस पहुंच गए हैं पार्सल लेने के लिए यहाँ पे, तो अभी जल्दी से पार्सल रिसीव करते हैं। दोनों पार्सल रिसीव कर लिया तो अभी घर निकलते हैं। सो फाइनली गाइस वी आर हियर ऑन द रोड एंड आई थिंक अबाउट टू अनबॉक्स कबीर सिंह ग्लासेस, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस ये अनबॉक्सिंग कर दिया हम लोगों ने, इसको निकालूं पहले मैं। ये जो इन्होंने ना कवर दिया ना थोड़ा चीप है, बट ठीक है यार, देखना गाइस इसमें से ना लिफाफा बाहर निकला हुआ है, ये नहीं कि इसको अच्छे तरह से बंद कर दें, ये देखना इसको खोलते हैं और देखते हैं भाई किस तरह की क्वालिटी हमें मिलती है। अंदर तो पैकिंग काफ़ी अच्छी की हुई है, तो ये ग्लासेस हैं और मैंने स्मॉल साइज निकाला इसका, इसको पहले साइड में कर दो। हाँ इसको साइड पे कर दे यार, इसको रखते हैं यहाँ पर और न्यू ग्लास। और ये देखो गाइस यहाँ से ही देखने के लिए बहुत ही प्रीमियम लग रही है यार, गाइस दिस इज अमेजिंग, अ प्रीमियम क्वालिटी, क्वालिटी बहुत बढ़िया है यार इसकी, ये वाले सही है भाई, ये वाले सही है, क्योंकि जब मैंने पिछली बार ली थी ना तो उसके अंदर यहाँ पे जो थे ना वो स्टील के लगे हुए थे, और ये थोड़ी सी लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है, जो पिछली बार मैंने खरीदी थी वो बहुत ही ज़्यादा हैवी भी थी, बाकी तो एकदम मस्त है, अभी लगा के देखते हैं। तो गाइस अभी पहन के देखते हैं, स्मॉल साइज है ना तब मस्त है, सही लग रही है, सही लग रही है, मस्त है। तो गाइस कमेंट करके बताना किस तरह की लुक आ रही है मेरी, एक्टर लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ ये बता देना, कबीर सिंह लग रहा हूँ ना। कबीर सिंह 2 सॉन्ग भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, उसकी शूटिंग मैं शुरू कर दूँ, मैं सोच रहा था आज शूट करने के लिए, तो अभी मस्त है, निकलते हैं घर, इसी को डाल के जाएंगे और इसको पहन के ही रखेंगे अब। तो फाइनली गाइस घर पहुंच गए हैं, ये रही अपनी बाइक, तो अभी मैं इसका ना ये पीछे वाला मटगार्ड खोलने वाला हूँ, तो ये रही मेरे पास चाबी, तो जल्दी से इसको खोलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको पीछे की टेल और टायर जब दिखेगा ना भाई दासू लगेगी एकदम। तो फाइनली गाइस इसका मटगार्ड मैंने निकाल दिया, तो अभी देख लो कितनी अच्छी लुक आ रही है पीछे से, और मैं सोच रहा हूँ इसका जो पीछे वाला सस्पेंशन है ना ये थोड़ा सा डाउन करवा दूँ, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, मेरे पैर तो लग जाते हैं, अगर कोई और चलाए तो उसके लगते नहीं है, वैसे तो सही है यार मेरे हिसाब से, तो फिर भी मैं एक बार ना थोड़ा सा डाउन करा दूंगा इसको, बाकी जो एकदम मस्त है ये मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको कहीं सही जगह पे रख देंगे, बाकी इसके नट वगैरह जो यहाँ पे लगे हुए थे वो मैंने एक यहाँ पे सेट कर दिया, ये वाले ना निकाल के मैंने रख लिया, ये बाहर रह गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना इस ब्लॉग को यहीं पैन कर दिया जाए, बिकॉज हम लोगों ने फ़ोटोशूट के लिए भी जाना है, संधू की फ़ोटो वगैरह खींचनी है, तो मैं उसी की फोटो खींचूंगा, अपनी तो मैं खिंचवाता नहीं है बिकॉज मेरी तो वीडियोस वगैरह बनती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर एंड बाय बाय, अगर व्लॉग अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।